कि आप बात करते हैं मध्य प्रदेश में मदरसों के माया जाल की। तो मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों में हिंदू बच्चों के नाम पर सरकारी अनुदान हड़पने का बड़ा खेल खेला जा रहा है, जहां बच्चों की समग्र आईडी से फर्जी दाखिला दिखाकर अनुदान के लिए फर्जीवाड़ा हो रहा है। भिंड और मुरैना जिलों में मुस्लिम आबादी प्रदेश में सबसे कम है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा मदरसे हैं। कागजों में इन मदरसों में तालीम लेने वालों को में मुस्लिम बच्चों से अधिक हिंदू बच्चे हैं, लेकिन जिन हिंदू बच्चों का दाखिला दिखाया गया है वो हकीकत में किसी निजी या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो कभी मदरसे गए ही नहीं। इनकी समग्र आईडी जुटाकर मदरसा संचालकों ने अपने यहां फर्जी तरीके से दाखिल दिखाया, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मदरसों का माया जाल, सरकारी अनुदान हड़पने के लिए भ्रष्टाचार, वसूलीबाज मदरसों पर एक्शन में सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश में संचालित मदरसों में हिंदू बच्चों के नाम पर सरकारी अनुदान हड़पने का खेल खेला जा रहा है, जहां बच्चों की समग्र आईडी से फर्जी दाखिला दिलाकर अनुदान के लिए बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। भिंड और मुरैना जिलों में मुस्लिम आबादी प्रदेश में सबसे कम है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा मदरसे हैं। कागजों में इन मदरसों में तालीम लेने वालों में मुस्लिम बच्चों से अधिक हिंदू बच्चे हैं, लेकिन जिन हिंदू बच्चों का दाखिला दिखाया गया है वो हकीकत में किसी निजी या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वो कभी मदरसे गए ही नहीं है। इनकी समग्र आईडी जुटाकर मदरसा संचालकों ने अपने यहाँ फर्जी तरीके से दाखिला दिखाया है। मध्य प्रदेश में 1505 मदरसों में से 9427 हिंदू बच्चों की नामदार्ज। मुरैना के 68 मदरसों में 2068 हिंदू बच्चे, भिंड के 78 मदरसों में 1812 हिंदू बच्चे, श्योपुर में संचालित 80 मदरसों में से 56 मदरसों में 650 हिंदू बच्चे, रीवा के 111 मदरसों में 1426 हिंदू बच्चों के नाम दर्ज पाए गए हैं। मदरसों में फर्जी दाखिलों का यह फर्जीवाड़ा अनुदान बच्चों के लिए खाद्यान्न और मिड डे मील का पैसा हड़पने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 100 बच्चों वाले हर मदरसे को 50 से 60 रुपए प्रति महीने का अनुदान मिलता है। मिड डे मील के लिए 100 बच्चों की महीने में 70% उपस्थिति मानते हुए 2.10 क्विंटल गेहूं कुकिंग कास्ट 11,440 रुपए अलग से, एक रसोइये के लिए 4,000 रुपए महीना, मदरसे में 50 से अधिक छात्र होने पर 2 रसोइयों के लिए पैसा मिलता है, ग्रेजुएट शिक्षक के लिए 3,000 रुपए महीना, वहीं पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक को 6,000 रुपए का अनुदान, एक मदरसे में अधिकतम 3 शिक्षकों को अनुदान मिलता है। हाल ही में श्योपुर जिले में भी 56 मदरसों में हिंदुओं के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। इन मदरसों में साल 2016-17 से अब तक 7 वर्षों में फर्जी अनुदान के जरिए 125 करोड़ रुपए हड़प लिए गए थे। कागजों पर चल रहे इन मदरसों में शहर के गणमान्य नागरिकों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चों के नाम दर्ज कर सरकार का अनुदान लिया जा रहा था। इन 56 मदरसों में 9132 में 650 हिंदू बच्चों के नाम दर्ज पाए गए हैं। जिन बच्चों के नाम सामने आए हैं उनमें कोई विदेश में रह रहा है तो कोई बड़े पद पर नौकरी कर रहा है। इतना ही नहीं, मदरसा संचालकों ने मृतकों के नाम दर्ज कर भी सरकारी अनुदान लिया है। कई मदरसे ऐसे जे तो जो संचालित ही नहीं थे, कई में जो है कोई भवन नहीं था, कई में जो शिक्षक स्टाफ जो उन्होंने क्लेम किया था कि स्टाफ जो है वो स्टाफ नहीं था, कहीं बच्चे नहीं थे, तो 56 मदरसे असंचालित थे, ठीक तरह से संचालित नहीं थे। वहीं भिंड, मुरैना और श्योपुर में संचालित मदरसों में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में संचालित सभी मदरसों की भौतिक सत्यापन की जांच में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। मैं शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।
तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान मोहम्मद सोएब कुरैशी जी हैं, सचिव आधुनिक मदरसा कल्याण संघ के। चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ संस्कृत बताओ मंच के हैं, मेहताब आलम जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजय त्रिपाठी एक बार फिर हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेहताब जी, सबसे पहले आपसे, मदरसों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं आप, जिस तरह से बातें आ रही, खासकर भिंड मुरैना में इस तरह की बात आई है कि 3,880 हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, क्या हिंदू बच्चे जाते हैं पढ़ते हैं, और अगर जाते हैं तो वो फिर क्या उर्दू की तालीम लेने जाते हैं? त्रिपाठी जी, मैं आपको बता दूं कि जो पाठ्यक्रम तैयार होता है मदरसा बोर्ड का, वो सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, उसकी लिपि उर्दू जरूर होती है जी। लेकिन ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें सभी वर्ग के बच्चे पढ़ सकें जी। और 22 सितंबर 1998 में मदरसा बोर्ड इसलिए स्थापित किया गया था ताकि मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा सके जी। लेकिन मुझे कहने दीजिए कि उस समय जब मदरसा बोर्ड स्थापित किया गया था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था इसका अध्यक्ष और उसके जो सदस्य होंगे वो शिक्षाविद होंगे। पहली बार के बाद जितने भी बोर्ड बने उसमें कोई भी शिक्षाविद नहीं आया। आपको हैरत होगी सुनकर कि एक ऐसे भी जो है व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया जो हाईस्कूल पास भी नहीं था। गड़बड़ी वहां से भी शुरू हुई है। जो आदमी हाईस्कूल पास नहीं है अगर उसको मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है तो वो मदरसे में क्या करेगा? और फिर 2018 से अब तक मदरसा बोर्ड में कोई बोर्ड नहीं है, एक सेक्रेटरी के द्वारा तो चलाया जा रहा है। जहां तक मेरे पास सूचना है कि 2017 के बाद अब तक मदरसा बोर्ड के लोग कोई ग्रांट जारी नहीं की गई है। छात्र पढ़ते रहे हैं, हमने खुद स्टोरियां की है बहुत सारे शहरों में जाकर जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसमें भी पढ़े हैं। अगर हम भारत के पहले राष्ट्रपति से देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर APJ कलाम तक, ये तो इन लोगों की शिक्षा भी मदरसों से ही हुई है। पाठ्यक्रम है उसमें कोई भी जा सकता है पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आपने खबर दिखाई है वो दूसरी तरफ इशारा करती है कि जो छात्र उसमें नहीं है उनका नाम उसमें दर्ज किया गया है, उसके नाम पर ग्रांट ली गई है। और जो फिगर इसमें बताया जा रहा है वो फिगर जहाँ तक मेरे अपना रिसर्च है कि वो 2016-17 का बजट है, क्योंकि उसके बाद तो बजट केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तो जारी ही नहीं किया। जब तो बजट जारी ही नहीं किया तो इस वक्त तो कैसे उसमें घोटाले की बात की जा रही है? बिल्कुल, मतलब कि जो जिस तरह है वहां के कलेक्टर है, श्योपुर के कलेक्टर ने बाइट दी है। आपने भी सुना होगा कि 56 मदरसे संचालित हो रहे थे इस तरह, जिनको बंद किया गया है, जिनके यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज के जिनका नाम दर्ज है वो कहीं और बाहर पढ़ रहे हैं। तो क्या ये जो बंद किया गया है तो इनको 17 के बाद ग्रांट नहीं जारी की गई, तो इनको कोई पैसा 17 के बाद नहीं मिला यानी 7 साल? लेकिन 2017 के बाद किसी भी मदरसे को जो है ग्रांट जारी ही नहीं, क्योंकि उसमें जो विवाद है, क्योंकि पहले पूरे पूरे ग्रांट मध्य प्रदेश शासन देती थी, फिर इसमें यह हुआ कि 50% ग्रांट जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार देगी और बाकी ग्रांट जो है स्टेट सरकार, और फिर दोनों में यह हुआ कि पहले आप जारी कीजिए। इसमें दोनों ने जो है बजट जारी ही नहीं किया। जब 2017 से बजट ही नहीं जारी कर किया गया तो ये वो बजट की बात नहीं है। यहाँ जो ये घोटाला बात सामने आया, ये मिड डे मील के जो पर बच्चे जो गेहूं दिया जाता है, कुकिंग के लिए जो खानसामा के लिए दिया जाता है पर बच्चे के हिसाब से, ये वो काउंट करके हम बता रहे हैं? नहीं, देखिए मैं आपको यहाँ पर अभी क्लियर कर दूं कि मिड डे मील बच्चों का पका हुआ भोजन दिया जाता है मदरसा बोर्ड में जी, उसमें राशन नहीं दिया जाता जी। तो पका हुआ भोजन अगर सप्लाई किया जाए ये गाना क्या चाहगा, अगर राशन को राशन उसको एजेंसी को दिया जाता है जो मदरसों में भोजन सप्लाई करती है। घोटाला अगर हुआ है तो उस जगह पर हुआ होगा जो मिड डे मील को पकाकर भोजन वितरित करती है, जो जांच यहाँ पे कई विषयों पर होना चाहिए। एक तो ये कि वो जो अधिकारी हैं जिन्होंने मदरसों का निरीक्षण किया उन्होंने क्या देख कर निरीक्षण किया कि क्या वहाँ पर उन्होंने भौतिक सत्यापन किया, अगर भौतिक सत्यापन उन्होंने किया था और उसमें ये चीजें थी या नहीं थी तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। कार्रवाई हुई है वहाँ? ये बिल्कुल सही है कि आपने कहा पका हुआ भोजन दिया जाता है, वहां पकाया जाता है। तो जैसे 100 बच्चों के बीच में 2 क्विंटल 10 किलो गेहूं दिया जाता है, प्रति शिक्षक जो रखते हैं उनको जो ग्रेजुएट है उनको 4,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट उनको 6,000 इस तरह दिया जाए, इस ये घपला हुआ है जी। सुहेल जी, आप ही के पास आ रहा हूं, आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा, मेहताब जी से मैंने पूछा कि क्या उन्होंने बहुत सही बात बताई कि मदरसा के जरिए मैंने सरकार बनाती है, इसका जो पाठ्यक्रम है सरकार निर्धारित करती है, उसी के अनुसार जो शिक्षक शिक्षाविद है उनको नियुक्त करती है। शिक्षाविद कोई भी हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। क्या सुहेब जी, क्या हिंदू बच्चे भी मदरसों में पढ़ते हैं? आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। सर, इसमें आपकी स्टोरी में मेहताब डॉक्टर मेहताब साहब की बात में और आपके सवाल में बहुत सारी बातें जो हैं ऐसी आ रही हैं समाज के सामने जो सत्य से परे हैं।
जो सत्य से बहुत दूर हैं। जैसे अभी आपने कहा मेहताब साहब के, उसमें के नहीं वहां पर जो है भोजन का जो है अनाज दिया जाता है, तो फिर खान सामा का पैसे दिए जाते हैं, तो ऐसी बातें, और फिर ग्रेजुएट टीचर को 6,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को 12,000 रुपए दिए जाते हैं। नहीं, नहीं, 4,000 और 6,000। नहीं सर, वो आपके पास फिगर गलत है। जब दिया जाता था तो ग्रेजुएट टीचर को 6,000 रुपए दिए जाते थे और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को 12,000 रुपए। जब दिया जाता था, नहीं अभी की मौजूदगी में जो दिया, अब नहीं दिया जा रहा सर। 2016 में दिसंबर में मदरसों को अनुदान मिला था, उसके बाद से आज तक नहीं मिला। आपके पास जो 125 करोड़ का फिगर है वो 875 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। वो कहां हुआ, किसने किया, मदरसों तक वो पैसा नहीं पहुंचा, मदरसा शिक्षकों तक पैसा नहीं पहुंचा। और जहां हिंदू और मुस्लिम वाली बात हो रही है, जहां हम बात कर रहे हैं कि शिक्षाविद हिंदू या मुस्लिम हो सकता है, टीचर हिंदू या मुस्लिम हो सकता है, तो हमारे यहां हिंदू मुस्लिम नहीं गिना जाता सर। हम शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे यहां विद्यार्थी वर्ड है और शिक्षक वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, स्टूडेंट वर्ड है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं कह रहे हैं। शासन ये चाहता है, आखिर आप लोगों को मदरसों में मालूम तो पड़ता होगा। हम इसलिए बात कर रहे हैं कि तालीम, उन्होंने कहा कि उर्दू में लिपि उर्दू होती है, उर्दू में दी जाती है, सारे चीजें उर्दू में नहीं होती। अब हिंदी अगर है तो हिंदी में ही पढ़ाई जाएगी, मैथमेटिक्स उसको पढ़ाया जाएगा, जहाँ पर उर्दू विषय है वहाँ उर्दू पढ़ाया जाता है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में 1% बच्चा, 1% बच्चा जो है उर्दू माध्यम में शिक्षा ले रहा है, 99% बच्चा हिंदी माध्यम में, क्योंकि हमारा बेल्ट हिंदी है, हमारे पास शिक्षक हिंदी हैं, हमारे पास स्टडी मटेरियल हिंदी में है, हमारे पास सारी चीजें जो उपलब्ध हैं वो हिंदी में हैं। मैं दाढ़ी टोपी वाला दिख रहा हूं, लेकिन मैंने संस्कृत पढ़ी है, मैंने हिंदी पढ़ी है। हम लोग इस, और हमारे यहाँ ये जो जितने भी घोटाले की बात हो रही है ये नहीं हो रही। हाँ, ये घोटाला हो रहा है कि जब मदरसों को इससे आधुनिक शिक्षा से जोड़ा गया था तो शासन ने हमसे 4-5 वादे किए थे कि आप हमारे आधुनिक 4% जो बच्चे, मुरली मनोहर जोशी जी ये प्रस्ताव लेकर आए थे कि 4% बच्चे जो धार्मिक शिक्षा ही ले रहे हैं सिर्फ, वो आधुनिक शिक्षा नहीं ले रहे। अटल बिहारी जी ने उसको यस किया कि इसको किया जाए और इन 4% को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो उन्होंने, जब हम लोगों के लोगों ने कहा कि हमारे पास शिक्षक सामग्री कहां से आएगी, तो सरकार ने कहा हम देंगे। टीचर कहां से आएगा, क्योंकि हमारे पास धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षक थे, टीचर हम देंगे। वो टीचर की सैलरी कहां से आएगी, टीचर की सैलरी हम देंगे। फिर टीचर बच्चा जो आएगा उसको गणवेश हम देंगे। ये सारे वादे किए गए थे, लेकिन 2014-15 से ये सारी चीजें रोकी गई। फिर 2016 से शिक्षकों का अनुदान रोक दिया गया। अब जो घोटाला हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, और ये 46-56 जो मदरसों के नाम आ रहे हैं, वास्तविक स्थिति ये है कि ये मदरसे खुद स्वयं आज से 2 साल पहले, कोई 2-3 साल पहले, कोई 1 साल पहले लिखित में दे चुका कि हम मदरसा बंद कर चुके। तो शासन ने पोर्टल से उनके बच्चे क्यों नहीं हटाए, ये शासन की व्यवस्था है। तो मतलब श्योपुर कलेक्टर ने गलत जानकारी दी है, बिल्कुल गलत जानकारी उन तक पहुंचाई गई है। नीचे के लेवल से उन तक जो जानकारी पहुंचाई गई है वो आगे तो उन्होंने बढ़ाई है। जिसने उनको जानकारी दी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, जिस लेवल पे ये घोटाला हुआ है उसकी जांच होना मतलब चाहिए। ये जो 56 उन्होंने सील किए हैं, ये पहले 16-17 में बंद हो चुके सर, ये पहले बंद हो चुके, लेकिन उनके पोर्टल पे अभी भी बच्चे दिख रहे हैं। वो व्यवस्था शासन की थी, शासन को उन बच्चों को मूव करना था, अनमैप्ड करना था, अनमैप्ड करके किसी अन्य विद्यालय में उन्हें मैप्ड करना था या मदरसे में मैप्ड करना था। जी, मतलब हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं सर हमारे यहाँ। अगर आप कोई भी एक पत्र मध्य प्रदेश शासन का, मदरसा बोर्ड का, या भारत सरकार का, मैं कंप्लीट कर लूं, ऐसा पत्र बता दें कि वो ये कहता हो कि मदरसे वाले को सिर्फ मुस्लिम बच्चों को पढ़ाना है, हमें आज तक निर्देश ही नहीं मिले। हम सुहेब जी, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि मदरसों में अगर हिंदू, आपने कहा सरकार के माध्यम से चलाया जाता था, हिंदू बच्चे भी जा रहे हैं, अच्छी बात है जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जाते हैं क्या, हम ये सवाल कर रहे हैं। जाना चाहिए, अगर नहीं जा रहे तो हमें गुरुकुल में भी जाना चाहिए, हमें जो है चर्च में भी जाना चाहिए, हमें मस्जिद में भी जाना चाहिए, हमें मंदिर में भी जाना चाहिए, क्योंकि हम
धर्मनिरपेक्ष देश के वासी हैं, हम मिलके जुलके रहने वाले लोग हैं, हमें नफरत न फैलाना चाहिए, हम एक साथ रहें और किसी भी बच्चे के ऊपर, किसी भी धर्म के बच्चे के ऊपर ये पाबंदी नहीं होना चाहिए। हमें ये पढ़ना है, पाबंदी नहीं, सरकारी तौर पे कहीं नहीं, खुद के विवेक पे होना चाहिए, पालक के विवेक पे होना चाहिए और बच्चे को स्वतंत्र होना चाहिए उसे जो शिक्षा लेना है। उससे ये नहीं कहा गया था कि तुम्हें संस्कृत पढ़ना है, मेरी मर्जी थी मैंने पढ़ी संस्कृत जी, वो बहुत सारे नहीं कहा। बहुत सारे मुस्लिम भी संस्कृत में पीएचडी भी है, एक महिला थी वो संस्कृत में पीएचडी है, होना चाहिए। आपको उर्दू में पीएचडी करना चाहिए, मेहताब साहब को संस्कृत में पीएचडी करना चाहिए, मुझे संस्कृत में पढ़ना चाहिए, त्रिपाठी जी को, तिवारी जी को उर्दू भी आना चाहिए। तिवारी जी क्या पढ़ते हैं आप? उर्दू आनी चाहिए आपको, लेकिन संस्कृत बचाओ मंच से है आप। आना चाहिए जी, नहीं ये ऐसा सोहेब जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, अच्छी बात है ना ये कह रहे हैं, तो नॉलेज होना चाहिए, बहुत बना के रखते हैं लोग, कोई बात नहीं। चंद्रशेखर जी, चौंकाने वाली बात यह है, संस्कृत बचाओ मंच से है आप, कि सिर्फ भिंड और मुरैना में, भिंड में 70 और मुरैना में 67 मदरसे चल रहे हैं, जिनमें 3,880 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, ये रिकॉर्ड में है, हमने जाके नहीं देखा, रिकॉर्ड में है उनके। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि 16-17 से बंद है अनुदान, लेकिन जो कलेक्टर के यहां से जानकारी आई है, जो मैंने श्योपुर की दी है, जो अन्य जानकारी आई है, उसमें माफ करेगा, उसमें ग्रेजुएट को 3,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 6,000, कुकिंग करने वाले को 4,000, 100 बच्चों से ज्यादा है तो 2 कुकिंग का पैसा मिलता है, 100 बच्चे हैं तो 70% उसकी उपस्थिति मान ली जाती है, और उसमें उसको 2 क्विंटल 10 किलो गेहूं अकेले मिलता है, अन्य चीजें और होंगी। तो इस तरह से ये आंकड़े जो आए हैं, ये तो आपके संस्कृत बचाओ मंच के लिए चौंकाने वाले हैं। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है कि सोएब जी जो है वो अपने उनको बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और मैं तो यही मांग करूंगा कि अगर मदरसे नहीं चल रहे हैं तो वो मदरसे के नाम पर जमीन भी अलर्ट कराई गई होगी, मदरसे के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा भी लिया गया होगा, जब भी लिया गया हो उनको ध्वस्त करके सरकार को अपने अंडरटेकिंग में करना चाहिए। और इसके पीछे कौन लोग हैं जो कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, वहां पर जब हिंदू बच्चे आप कह रहे हैं कि जाना चाहिए, चाहिए और जाते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। आना तो चाहिए गुरुकुल में, लेकिन आप आएंगे क्या? नहीं आएंगे। वहां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज थोड़ी पढ़ोगे आप, जब आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते, आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते, तो गुरुकुल में आप आके कैसे प्रवेश करोगे? हमारे यहां तो संध्या 3-4 वक्त की संध्या करनी पड़ती है, त्रिकाल संध्या करनी पड़ती है, मुंडन कराना पड़ता है, शिखा रखनी पड़ती है, तब आपको गुरुकुल में प्रवेश दिया जाएगा, धोती कुर्ता पहनना पड़ेगा, तब आपको प्रवेश दिया जाएगा। तो आप कैसे? वही तो वो कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी जो गुरुकुल की पद्धति है, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है, जो धर्म से ये सारे पंथों की उत्पत्ति हुई है, चाहे मुस्लिम पंथ, पैगंबर साहब आए उन्होंने मुस्लिम पंथ की स्थापना करी, गुरु नानक देव आए उन्होंने सिख पंथ की स्थापना करी, आपके ईसा मसीह आए उन्होंने ईसाई पंथ की स्थापना करी, और साथ में बौद्ध जो आपके धर्म गुरु हमारे महावीर स्वामी आए उन्होंने जैन पंथ की स्थापना करी। ये तो सारे पंथ है, धर्म तो सिर्फ हिंदू है और सनातन है, धर्म पे बात ही नहीं कर रहे हैं ना। नहीं, मैं बात वही हम मदरसों की बात कर रहे हैं, जो स्वयं जी टीवी पे कहने से काम नहीं चलता। त्रिपाठी जी आप प्रवेश करिए ना, हम तो जनेऊ संस्कार भी करा देंगे आपका। नहीं तो माने पहले कोई अगर मुस्लिम बच्चा अगर गुरुकुल में संस्कृत पढ़ना चाहे तो उसको पहले आप हिंदू बनाओगे? बिल्कुल। देखिए जो विधान है उस विधान को आपको, अगर मैं आपके कोई भी बच्चा आप मुस्लिम नहीं बना रहे, नहीं आप हमारे यहाँ कोई बच्चा आ रहा है हम उसे सिर्फ शिक्षित व्यक्ति बना रहे हैं, भारतीय नागरिक बना रहे हैं, उसे मेरे पास और गवर्नमेंट से ग्रांट लेने के लिए कुछ भी आप लागू कर लीजिए, गवर्नमेंट से ना कोई ग्रांट मिली, सारी ग्रांट मदरसों को एक प्रमाण दे दीजिए, एक प्रमाण दे दीजिए ना, किसी मदरसों को, मौलवियों को, काजी को, सारों को गवर्नमेंट तनखा दे रही, सारी व्यवस्थाएं चल रही है, मदरसों को ग्रांट मिल रही, खूब मिल रही है, हम कह रहे चलिए 16 से नहीं मिल रही, पहले तो मिल रही थी ना, पहले तो मिल रही थी ना, और ना मध्य प्रदेश में किसी एक मदरसे को जमीन आज नहीं मिल रही है, मध्य प्रदेश में और जो मदरसे चालू मदरसे जो मिले हैं ये चालू मदरसे हैं, ये चालू मदरसों की जांच होनी चाहिए, और इनके पीछे कौन लोग हैं,
चंद्रशेखर जी, मेरा आपसे सवाल ये है, मैंने कहा चौंकाने वाली बात है, कुछ न कुछ ये गड़बड़ी होगी कि आप अगर हिंदू बच्चे मदरसे में पढ़ने जा रहे हैं तो आपकी शिक्षा नीति में कुछ गड़बड़ी होगी। त्रिपाठी जी, बिल्कुल नहीं जा रहे बच्चे, कहीं आप मुझे बताइए, एक एक व्यक्ति मुझे बता दीजिए, एक व्यक्ति बता दीजिए कि उसने, मैं अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ा, वहां पर आप मुस्लिम तामिल प्रदान कर रहे हैं, मेरा बच्चा वहां जाकर क्या करेगा? बिल्कुल नमाज पढ़ना सीखेगा क्या? नहीं नहीं, वो मेहताब जी ने बताया कि वहां पाठ्यक्रम जो तय होता है, हम गुरुकुल में प्रवेश करेंगे। मैं करा रहा हूं ना प्रवेश, मेरे ही गुरुकुल चला रहा हूं मैं, अभी 25 बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं। आइए, आपका स्वागत है, आइए मुंडन कराइए, शिखा रखिए, जनेऊ संस्कार कराइए, मैं गुरुकुल में आपको संस्कृत पढ़ाऊंगा, त्रिकाल संध्या आपको कराऊंगा, आप वो पढ़ना चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। जिस धर्म का, सुनिए, स्वयं की आधुनिक शिक्षा में मैं, हम भी कमजोर शिक्षा की, हम त्रिपाठी जी, हमारे गुरुकुल में हम आधुनिक शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वो है ना, नहीं वो नहीं, वो पढ़ने क्यों आए? आप कुरान पढ़ो, वो तो कुरान पढ़ने का नहीं कह रहे जी, आपसे नमाज पढ़ने का कह रहा। आप जब वहाँ पर आपके मान लीजिए मेरा ब्राह्मण बच्चा आपके मदरसे में पढ़ने जाएगा और वहाँ पर सारे 50 लोग नॉनवेज खाएंगे, तो मेरा बच्चा क्या हुआ? भ्रष्ट होने के लिए जाएगा, वो सीखने जाएगा क्या? नहीं जाएगा। आप पहले अपनी बात पे सुधार लाइए, टीवी पे कहने से स्वयं जी कुछ नहीं होता, जो बात सत्य। मध्य प्रदेश सरकार ग्रांट इसी बेस पे देती है कि आपको ये सारे बेसिक कोर्स पढ़ाने पड़ेंगे। त्रिपाठी जी, मैंने महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान से मान्यता प्राप्त की है, उसमें सारे बेसिक कोर्स मुझे पढ़ाने पड़ रहे हैं, लेकिन कर्मकांड मुख्य शिक्षा है उसमें, और पूर्ण रूप से कर्मकांड त्रिकाल संध्या। मेरे अब ना मोबाइल अलाउ है, आज के आधुनिक युग में भी मोबाइल। उर्दू भी पढ़ा रहे हैं क्या आप? जी, गुरुकुल चालू हो गया। उर्दू भी पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, उर्दू क्यों पढ़ाएंगे हम? उर्दू से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो बच्चा अपना जब उसको इच्छित कोर्स करना हो तो करते रहे गुरुकुल से जाने के बाद, लेकिन मेरे यहाँ उर्दू क्यों पढ़ाऊंगा? मैं संस्कृत पढ़ा रहा हूँ ना, और मेरे यहाँ जो नियम है वो सुहेब जी संस्कृत पढ़े। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे यहाँ जो नियम है वो मैं टीवी के सामने नहीं, चैलेंज से कह रहा हूँ कि मेरे नियम ये है, इन नियम को जो फॉलो करेगा वही मेरे गुरुकुल में प्रवेश करेगा, अन्यथा नहीं प्रवेश दिया जाएगा। चलिए तिवारी जी, मैं आपको बता दूं, उर्दू जो भाषा है, अगर संस्कृत से भारत में जो भाषाएं पैदा हुई है उसकी जो 13वीं शक्ल है वो उर्दू है। उर्दू भारत की भाषा है, भारत की विदेश की भाषा। बिल्कुल, मैंने ये कही नहीं, मैंने पंथ की बात करी, मैंने पंथ की बात करी। अरे संस्कृत से तो सारी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। अपनी बात कहले, अपनी बात कहले, संस्कृत देखिए सबसे चंद्रशेखर जी उनकी बात आ रही है, वो वरिष्ठ पत्रकार है, और आप बहस कर रहे हो, जानता हूं डॉक्टर साहब को, ऐसा नहीं है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि कोई चर्चा उसका जो है मुख्य सारांश निकलना चाहिए, उस पर विषय पर हम पहुंचे। अगर यहाँ पर कोई घोटाला कोई चीज हुई है, प्रश्न ये है कि सरकार क्या कर रही है? अगर कुछ केंद्रों का नाम आया है तो उनकी जांच सिर्फ इसलिए की जाए कि वहाँ पे हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं या मदरसा में या मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रश्न यह है कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी जिन्होंने इसकी जो है मंजूरी दी थी, क्योंकि अगर उन्होंने मंजूरी दी है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तो कार्रवाई उन अधिकारियों पर भी होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा काम किया। डॉक्टर साहब, सभी लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग उसको संचालित कर रहे थे, सब लोगों ने पैसा लिया है, जिन्होंने अपने स्वयं के उपयोग में लिया है। अगर वहां से बच्चों को तालीम नहीं मिली है, चाहे वो हिंदू रहे हो या मुसलमान रहे हो, हिंदू तो पढ़ते हैं, मुस्लिम अगर पढ़ते हैं, उनको तालीम नहीं दी गई और पैसा गवर्नमेंट का खाया गया है, तो वो भ्रष्टाचार जो हुआ है, घोटाला हुआ, उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को अपनी जमीन स्वयं ले लेने चाहिए उस स्थान को ध्वस्त करते हुए। अब वो गवर्नमेंट की जमीन है या अपने व्यक्तिगत, गवर्नमेंट की भी रहती है अलॉटेड, डॉक्टर त्रिपाठी भाई साहब, गवर्नमेंट की जमीन भी अलॉट होती है, आप कुछ लीज रहती है, लीज रेंट पर आपको अलाट कर दी जाती है, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के ऐसे रूल्स हैं कि अगर आप कोई एक जंगल क्षेत्र में कहीं मदरसा चला रहे हैं या गुरुकुल चला रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट अलाट करती है, वो पूरा विधान उसका जो नियम है उस नियम के तहत। चलिए, जैसा मेहताब जी ने कहा कि इसका सारांश निकालना चाहिए, अजय जी सारांश निकालिए। सारांश में निश्चित रूप से जो परिणाम हम लोगों ने देखे, जिसके आधार पर पूरी की पूरी बहस का पैकेज हमारा बना, वो बड़ी चौंकाने वाला तथ्य था। लेकिन सोहेब जी ने जो बात कही वो और भी चौंकाने वाली है जी। कि 2 साल पहले जो बंद हो चुका है संस्थान, और 2 साल और पहले से उन्होंने बताया 16-17 में, तो जो बंद हो चुके हैं उनके नाम आज भी समग्र पोर्टल में चढ़े हुए हैं।
जी, तो सरकार क्या आंख मूंद कर काम कर रही है कि समग्र पोर्टल में अगर बच्चों के नाम है, चलिए वो बात तो हो सकती है, जब जैसा कि मेहता भाई ने बताया कि जब मुरली मनोहर जोशी एचआरडी मिनिस्टर थे तब ये बहुत सारा संशोधन हुआ, तो सरकार ने बहुत सारे ये किए थे, ग्रांट तभी ये ग्रांट शुरू हुई थी बहुत तेज गति के साथ। लेकिन अगर ऐसा हुआ है कि समग्र जो बंद हो चुका है, लिख के दे चुका है कि हम बंद कर रहे हैं, आर्थिक कारण से बंद कर रहे हैं, किसी कारण से बंद करें, तो उसकी पूरी जो अभी जांच हुई इसको व्यापक स्तर पर जांच होना चाहिए, और व्यापक स्तर पर जांच होने के स्वाभाविक रूप से उन मदरसा संचालकों के खिलाफ, शिक्षा विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ, क्योंकि मदरसा बोर्ड का कोई अलग से एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा नहीं, जो अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट यही पूरी जांच पड़ताल करता है, क्योंकि अब उसके अंदर भी सब काम वक्त बोर्ड में तो नहीं आता, बोर्ड में नहीं आता, बोर्ड चला गया, शिक्षा विभाग जांच करता है, डीपीआई जो है डीपीआई से संचालित होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन भी डीपीआई फॉलो करता है, और यहाँ तक कि माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है उसके प्रश्न पत्र की पैरामीटर भी जो मॉनिटरिंग वही करता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समग्र पोर्टल में नाम चढ़े हुए हैं बहुत सारे नाम, तो उसकी पूरी जांच होना चाहिए। जिन लोगों ने एनओसी दी लगातार, जो नर्सिंग मामले में बात हुई थी, वही लग रहा है यही मामला इसमें हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, उसके बाद भी आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो, तो इसकी पूरी जांच होना चाहिए। लेकिन अजय जी, यहाँ तो ये भी होगा ना, अगर समग्र उसमें चढ़ी हुई है रिपोर्ट, उनके बच्चों के नाम चढ़े हुए हैं, और जो एक मिड डे मील का जो गेहूं हो, जो भी है अनाज वितरित किया जाता है, वो जा रहा होगा, तो वही तो मैं कह रहा, पूरा रैकेट काम कर रहा होगा ना जी, वही एक मदरसा मदरसा के नाम पे, मदरसा के नाम पे उसमें सब शामिल होंगे। नहीं, यहाँ पे जो एजेंसी है जो खाना प्रोवाइड कर रही है मदरसे के नाम पर, वो भी जांच के घेरे में आती है कि उसको जो उसने मदरसे के नाम पर इतना राशन ले लिया और वहाँ पर मदरसा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, और कुकिंग के नाम पे जो 4000 पर कुक जो ले रहे वो भी लिया होगा। हाँ, स्वाभाविक रूप से, पर वो जब मदरसा है नाम पे, जो मदरसा अगर कागज में है, मदरसा सर अगर कागज में है तो राशन पहुंचा किसको, खाना बन के गया किसके पास? त्रिपाठी जी, मैं आपको बताऊं, एक जो है 2015 में एक स्टोरी मैंने लिखी और बड़ी विचित्र स्टोरी है। यहाँ क्या, मैं गया और मैंने पूछा कि मदरसा क्या चलता है, उन्होंने कहा चलता है, मैंने कहा बच्चे, उन्होंने कहा छुट्टी हो गई, कल आएंगे, उन्होंने कहा ठीक। अगले दिन मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो कैमरे को पहले ऑन करके गया, मैंने कहा भाई बच्चे आ गए, तो मोहल्ले में जो बच्चे कंचे खेल रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, उनको बुलाया, बैठा दिया। मैंने कहा भाई टीचर कहाँ है, तो उन्होंने घर की बहुओं को बुलाया, खड़ा कर दिया। मैंने एडिटिव उसको दिखाया कि इस तरह के भी घपले मदरसे के नाम पर हुए हैं जी। कि घर में जो है मदरसा खोल लिया गया और वहां पे छात्र नहीं है, जो मोहल्ले के बच्चे हैं, जो हमारे अभी तिवारी जी कह रहे थे कि भाई इस तरह के पास पड़ोस के लोगों को अपने मदरसे में नाम दर्ज कर लेना, वो किसी भी वर्ग के समुदाय के लोग हों, जो अभी दिखाई दे रहा है कि भाई वो लोग जो अब दुनिया में भी नहीं है उनका नाम भी वहां पर है, कुछ बड़े अधिकारी हैं जो बड़े उस पर बैठे वो उनके भी नाम है। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो सबसे ज्यादा आबादी बुरहानपुर में है वहां सबसे कम मदरसे हैं, और सबसे कम आबादी हिंद मुस्लिमों की भिंड मुरैना में, तो वहां सबसे ज्यादा मदरसे हैं, 70-70 मदरसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सोहेब आपका, चंद्रशेखर जी आपका, मेहताब जी आपका, अजय जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में संचालित होने वाले मदरसों में सरकारी अनुदान हड़पने के लिए की जा रही फर्जीवाड़े की। हालांकि अनुदान के इस काले खेल का खुलासा होने के बाद सरकार भी वसूलीबाज मदरसों के खिलाफ एक्शन में आ गई है। श्योपुर में संचालित 56 फर्जी मदरसों की मान्यता रद्द करने के साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रदेश भर में संचालित सभी मदरसों के भौतिक सत्यापन की जांच के में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।